गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज डेट है हमारी 17 जुलाई। हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे, 4F। हमने कल क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एंड सेकंड, आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इवेल्युएट। देखो फर्स्ट पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 डिवाइड 9/16। पहला स्टेप क्या कर लेती हूँ, जो हमारा बोर्ड मास होता है उस हिसाब से चलते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले क्या होगा, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई से। पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड दो है, पहले कौन होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे सॉल्व होता है, 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो आगे वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। क्लियर है यहाँ तक। 4 1 4 4 4 16, 3 1 3 3 3 9। न्यूमिनेटर क्या क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। डिनोमिनेटर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। क्या आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 20, नीचे क्या आएगा, 7 3 21। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20/21। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 3/4/7 डिवाइड 5/49 मल्टीप्लाई 1 1/4। पहले मिक्सड है, मिक्सड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 7 3 21, 21 + 4 क्या होता है, 25/7 डिवाइड 5/49, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई में, 1 5 4 4 और 1 क्या हो गया, 5/4। क्लियर है यहाँ तक। फिर ब्रैकेट होती है बोर्ड मास में कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई, 25/7 डिवाइड को किस में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई में, तो आगे वाले नंबर का क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल। क्लियर है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आपका 5/4। सॉल्व किया मैंने, 7 1 7 7 7 49, 5 1 5 5 5 25। क्या बच गया, 7 5 35/1 मल्टीप्लाई में क्या है बार, 5/4 मल्टीप्लाई किया, 35 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आएगा, 175। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 का क्या होता है, 4। ये क्या है आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिवाइड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई 10/3/1/3 - 1/2। पहले इसका रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल 3/5 मल्टीप्लाई -10/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 5 2 क्या आंसर है, 1 - 1/2। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, सॉरी सॉल्व करोगे इसको, 3 1 3 5 1 5 2 तो -2 होगा, -2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। क्लियर है यहाँ तक, -1/2 आ गया आपका रेसिप्रोकल। डिवाइड करना है, रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड करना है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, एलसीएम लिया 6 2 - 3 यही होगा, -1/2 डिवाइड, सॉल्व करोगे -1/6 डिवाइड है, डिवाइड को मैं क्या बनाऊंगी, मल्टीप्लाई, तो आगे वाले नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/6 था, क्या हो जाएगा, 6/1 माइनस रहेगा साथ, 2 1 2 2 3 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर।